तो भाई क्या स्पाइडरमैन म्योरलिर को उठा सकता है? पर भाई म्योरलिर को उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी है। तो भाई इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर कैसे स्पाइडरमैन और रैगनारोक में एंट्री लेता है और थॉर के हैमर को तोड़ देता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक उठाना। अब जैसा आप सबको पता है म्योरलिर को सिर्फ वो ही उठा सकता है जो उसके काबिल हो, मतलब थॉर के हैमर को उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी है। तभी कोई म्योरलिर को उठा सकता है, जैसे कैप्टन ने एंड गेम में म्योरलिर को उठाया था और उसकी पावर को यूज करने के साथ थॉर की जान भी बचाई। और एमसीयू में और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने म्योरलिर को उठाया था, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ने म्योरलिर को उठाया था और रैगनारोक में भी हेला ने म्योरलिर की पावर को ओवरकम करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और लास्ट में थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर यानी माइटी थॉर ने भी म्योरलिर को उठाया था और साथ ही उसकी पावर का यूज भी किया था। पर भाई एमसीयू की इन सभी मूवीज को देखने के बाद अब सवाल ये आता है, क्या स्पाइडरमैन भी म्योरलिर को उठाने के लिए वर्दी है? अब क्योंकि स्पाइडरमैन ने भी दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाई कर दिया था, यहाँ तक उसके दोस्त भी उसकी आइडेंटिटी को भुला चुके हैं। तो भाई अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे लगता है स्पाइडरमैन म्योरलिर को उठाने के लिए वर्दी है, क्योंकि पावर मिलने के बाद लोग अक्सर करप्ट हो जाते हैं, पर स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्पाइडरमैन ने तो हमेशा लोगों की मदद की है, इसलिए स्पाइडरमैन थॉर के हैमर को उठा सकता है। और भाई ये रही वो क्लिप जिसमें स्पाइडरमैन थॉर रैगनारोक में एंट्री लेने के साथ म्योरलिर को डिस्ट्रॉय कर देता है। That thing is not available. It's impossible.